बहुचर्चित सरकाघाट चोलथरा सड़क पर अतिक्रमण हटाने और रोड को चौड़ा करने को लेकर 6 पंचायतों का प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर जयकुमार आजाद की अध्यक्षता में एसडीएम सरकाघाट राहुल जैन से मिला। इस दौरान लोगों ने प्रशासन को 31 मार्च से पहले पहले निशानदेही करवाकर अवैध कब्जों को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। बता दें कि सड़क बहुत संकरी है, गाड़ी को पास देने के लिए 1 किलोमीटर पीछे हटना पड़ता है। इस दौरान लोगों का आपस में झगड़ा भी हो जाता है, जिस कारण लंबा जाम लगा रहता है। यही नहीं, आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल है। 6 पंचायतों के जन प्रतिनिधियों ने बुधवार को बकायदा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा है और 31 मार्च तक अतिक्रमण हटाने को लेकर डेडलाइन जारी करने की मांग की है। आज 6 पंचायतों का एक विशाल प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सरकाघाट श्री राहुल जैन जी से मिला और हमारी एक सूत्रीय मांग सरकाघाट पपलोक चोलथरा जो सड़क है उसमें बाजार के पास बहुत बड़ा लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। हमने माननीय एसडीएम होदे से स्पष्ट शब्दों में ये आग्रह किया, एक ज्ञापन भी दिया जिसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधि और दूसरे आम लोग, महिला मंडल के, युवक मंडल के और दूसरे भी सभी डीसी के दूसरे साथी भी हमारे साथ थे। उन्होंने अपने ज्ञापन में ये मांग की प्रशासन से कि मार्च 31 तक सरकाघाट पपलोग रोड पे बाजार के पास जो अतिक्रमण हुआ है, अवैध अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो एक विशाल आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी जो होगी प्रशासन की होगी। मंडल आज एसडीएम महोदय से मिला और इसकी अध्यक्षता श्री जयकुमार आजाद जी की अध्यक्षता में की गई और सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, सभी महिला मंडल यहाँ पर मौजूद रहे। इसका डेपुटेशन मिलने का विशेष कारण ये है कि मुख्य रूप से सड़क जो है बहुत तंग है, यहाँ से बाजार से निकलना पैदल कोई गाड़ी आ जाती है तो यहाँ पर पैदल भी आदमी फंस जाते हैं, इसलिए जो है इसका मेन मुद्दा यह है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि यहाँ से यातायात जो है ठीक ढंग से बहाल हो सके। यहाँ पर कई प्रकार के लोगों को पास देने में दिक्कतें आती है और हाल ही में तो ऐसा हादसा हुआ है कि एक लड़के ने एक दूसरे का अंगूठा ही काट दिया। तो इस ढंग के झगड़े अगर होते रहेंगे तो इसमें कोई भी हादसा होने का भय है, इसलिए प्रशासन से हमारी गुहार है कि वे जल्दी से इसकी निशानदेही लें और इस काम को सुचारू रूप से 31 मार्च तक चालू करें। जो पपलोग रोड पे जाम लगा हुआ होता है उसके बारे में मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि उसकी डिमार्केशन जल्द से जल्द करवाई जाए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट।